बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, आज हम पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। आपको ये पार्ट्स दिए गए 3, आपने इन तीनों नंबर्स को 12 से डिवाइड 10 से डिवाइड करना है। तो मैं इसका आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी, बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो नीट कॉपीज पर आए, आपने अपने ब्लैक पॉइंटर से डेट एंड डे, एक्सरसाइज नेम एंड क्वेश्चन नंबर 7 राइट करना है, उसका ये पार्ट राइट करना है और सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर आपने किसी ग्रेटर वैल्यू को या ग्रेटर नंबर को आपने किसी वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आप उसको विदाउट स्पेसिस पहले सॉल्व कर लें, नेक्स्ट आप फिर आंसर स्पेस के साथ दे लें। तो इसी तरह हम करेंगे, हम इस क्वेश्चन को विदाउट स्पेस लिखेंगे। 10 से डिवाइड करना था तो हम डिवाइजर 10 लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये 2 डिजिट था तो आप हम इसमें भी 2 डिजिट काउंट करेंगे, तो 34 हुआ। तो 10 की टेबल में हम चेक करेंगे 34 या 34 से लेस वैल्यू क्या आती है, तो 10 3 30। अब इसको माइनस करेंगे तो 34 में से 30 माइनस करें 4 आ जाएगा। अब 4 10 से छोटा है तो हम एक और डिजिट नीचे उतार लेंगे, 7 आ गया, इस तरह ये 47 बन गया। अब 10 4 47 40, अब माइनस करने पे 7 बचेगा। अब 7 फिर 10 से छोटा है तो आप एक और डिजिट नीचे उतार लेंगे, 70 बन जाएगा। फिर 10 7 70, माइनस करेंगे तो 0 0 बच जाएगा, कोई डिजिट नहीं बचा, इस वजह से आप 8 नीचे उतारें। तो 8 फिर भी 10 से छोटा है तो आप एक और डिजिट उतार लेंगे, इससे ये 80 बन गया। जब एट अ टाइम आप दो वैल्यूज इकट्ठी नीचे उतारें डिवीजन में, तो आप एक 0 ऊपर लगाते हैं, तो इस वजह से यहाँ एक 0 आया। फिर 10 8 80, अब आप माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं रिमाइंडर बचा, इस वजह से आपकी डिवीजन कम्प्लीट होगी। अब जो ये आपका आंसर आया, आप इसको नीचे इंटरनेशनल पेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग स्पेस देके लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आए बुक पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है 100 से, तो इसका भी मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नीट कॉपीज पर आए अपनी, आपने ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, उसका ये पार्ट राइट करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, नेक्स्ट आपने विदाउट स्पेसेस इसको लिखना है। इसके डिवाइजर 100 से डिवाइड करें तो आप 100 लिखेंगे। अब 100 3 डिजिट नंबर है तो आप अंदर भी 3 डिजिट नंबर काउंट करेंगे, तो वो 184 बनेगा। अब आप 100 के टेबल में चेक करें, 184 आता है, अगर नहीं आता तो आप इससे लेस वैल्यू देखेंगे, तो इस तरह 100 1 100 आ जाएगा। माइनस करने पे 84 बचा। अब आप नेक्स्ट डिजिट भी नीचे उतारें, 840 हो जाएगा, 100 8 800 आ जाएगा। माइनस करने में 40 बचेगा, 40 100 से छोटा है तो आप एक और डिजिट नीचे उतार लेंगे, इस तरह ये 400 बन गया, तो 100 4 400 आ जाएगा। अब आपका जो आंसर आया आप उसको नीचे लिखेंगे इक्वल के साइन के साथ। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। अब आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है 1000 से, तो आप देखें मैं इसका भी आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अपनी नीट कॉपीज पर आए, आपने ब्लैक पॉइंट से क्वेश्चन राइट करना है, क्वेश्चन नंबर ए राइट करना है, उसका सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, नेक्स्ट आपने विदाउट स्पेसेस वैल्यू को लिखना है, उसके डिवाइजर 1000 था तो आप 1000 लिखेंगे। अब 1000 4 डिजिट नंबर है तो आप 4 डिजिट नंबर काउंट करेंगे, तो इस तरह यह 8560 वैल्यू बनेगी। अब आप देखें ये वैल्यू 1000 की टेबल में आती है या इससे लेस कोई आता है, तो फिर देखें 1000 8 8000 आ जाएगा। माइनस करने पे हमारे पास 560 बचेगा। अब 0 आप नीचे उतारेंगे क्योंकि 560 इससे छोटा है, तो इससे ये 5600 बन जाएगा, जो 1000 से भरी हो जाएगी वैल्यू। तो 1000 5 5000 माइनस करने पे हमारे पास 600 बचेगा। आप 0 नीचे उतारें 6000 हो जाएगा, तो 1000 6 6000, इस तरह हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो आपका आंसर है आप नीचे इक्वल के साइन के साथ लिख लें, ठीक है। आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब आपने इन सम्स को सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लीकेशन साइन है, इट्स मीन आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को आपने अपनी नीट कॉपीज में उतारना है, इसका भी मैं ये पार्ट आपको करवाऊंगी, बाकी 2 3 रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं और फिर इनको कॉपीज पे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो अपनी नीट कॉपीज पर आपने क्वेश्चन नंबर 10 ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है, उसका ये पार्ट लिखना है जिस तरह बुक में था, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने जिस तरह क्वेश्चन इधर लिखा हुआ इसी तरह आप व्यू पॉइंटर से उतारेंगे सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम राइट साइड से फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो 5 5 से 25, 5 नीचे 2 कैरी, 5 6 से 30, 30 प्लस 2 32,
तो टू नीचे और थ्री कैरी, फाइव वन जर फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, फाइव टू जर टेन, टेन का जीरो नीचे और वन कैरी, फाइव एट जर फोर्टी, फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन, तो वन नीचे और फोर कैरी, फाइव वन जर फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन। नेक्स्ट स्टेप में जब आप सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले क्रॉस साइन लगाएंगे फर्स्ट डिजिट के नीचे, नेक्स्ट आप क्या करेंगे आप जीरो टू से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, टू फाइव जर टेन, टेन नीचे जीरो नीचे और वन कैरी, टू सिक्स जर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, थ्री नीचे और वन कैरी, टू वन जे टू, टू प्लस वन थ्री, तो ये थ्री आ जाएगा, टू टू जर फोर, टू एट जर सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स नीचे और वन कैरी, टू वन जे टू, टू प्लस वन थ्री, सो ये थ्री आ जाएगा। अब इनको आप ऐड करें, फाइव ऐसे ही आ जाएगा, टू प्लस जीरो इक्वल टू, एट प्लस थ्री इक्वल वन, नीचे और वन ऊपर कैरी, इलेवन बनेगा ये, जीरो प्लस थ्री इक्वल थ्री, थ्री प्लस वन इक्वल फोर, फोर प्लस वन इक्वल फाइव, सिक्स प्लस नाइन इक्वल फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव नीचे और वन कैरी, थ्री प्लस वन फोर, तो इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आप इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आप राइट साइड से इसको लिखना स्टार्ट करें ताकि थ्री थ्री स्पेसिस पे आपकी ये वैल्यू आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन पर आए, क्वेश्चन नंबर इलेवन है राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। अब आपने इनको वर्टिकली लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकली मीन्स कि आपने इसको इन फॉर्म्स में लिखना है, इन फॉर्म्स में लिखने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, बाकी जो थ्री फाइव रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपने खुद करने हैं। तो आप अपनी नीच कॉपीज पर आएं। क्वेश्चन नंबर इलेवन आपने ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है, उसका ये पार्ट राइट करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है, जिस तरह ऊपर आपने वैल्यू ये लिखनी है, नेक्स्ट आपने उसका ये 39 नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, आपने लाइन लगानी है। आप फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 9 जीरो जर जीरो, 9 जीरो जर जीरो, 9 टू जर 18, 8 नीचे 1 कैरी, 9 वन जर 9, 9 प्लस 1 10, तो जीरो नीचे और 1 कैरी, 9 9 जर 81, 81 प्लस 1 2, 82 हो जाएगा, तो 2 नीचे और 8 ऊपर, 9 टू जर 18, 18 प्लस 8 26, तो 26 आ जाएगा। अब आप जब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले क्रॉस लगाएंगे, फिर थ्री जीरो जर जीरो, थ्री जीरो जर जीरो, थ्री टू जर सिक्स, थ्री वन जर थ्री, थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन, टू कैरी और सेवन नीचे, फिर थ्री टू जर सिक्स, सिक्स प्लस टू एट। अब इनको आप ऐड कर लें, जीरो ऐसे आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल जीरो, एट प्लस जीरो इक्वल एट, जीरो प्लस सिक्स इक्वल सिक्स, टू प्लस थ्री इक्वल फाइव, सिक्स प्लस सेवन इक्वल थर्टीन, वन कैरी, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस वन इलेवन, इसका इलेवन आ जाएगा। अब आपको इसका इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग स्पेस के देकर आप नीचे आंसर्स में लिख लेंगे इसको। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, और अपनी जितने भी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक कर लिए हैं, आपने ये अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट करने हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है, रुकना नहीं। दिस इज नेटिव स्लोगन, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।